डर क्यों रहा है, अड़ाना। ओह दिल। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक बहुत ही कमाल की मशीन, देखो ये वाली। तो गाइस यार इस कमाल की चीज को कहा जाता है वान डे ग्राफ जनरेटर। तो गाइस यार अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है और साथ साथ ये बताया कैसे काम करता है, क्या चीज है, बाकी सारी चीजें। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके उसे देख लेना, पहले इसे देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बहुत ही कमाल धमाल कमाल। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं अपना एक हाथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से इसका स्विच ऑन कर देता हूँ और दूसरा हाथ भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ। कुछ देर वेट करते हैं, मशीन को चलने देते हैं, थोड़ा सा और। गाइस अब वान डे ग्राफ जनरेटर अपना कमाल दिखाना शुरू कर चुका है। वीरू इधर आ, इधर आ, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, ठीक है। तो गाइस यार ये कमाल धमाल है इस मशीन का। तो गाइस यार ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। जी हाँ गाइस, इसके अंदर प्रोड्यूस होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस जब अपन सर्दियों के अंदर कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, और फिर अपन कंबल को ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अपन बिस्तर से उतरते हैं किसी दरवाजे को छूते हैं या फिर किसी दूसरे पर्सन को छूते हैं तो अपने को एक बहुत ही कमाल का झटका लगता है, एक बिजली का शॉक लगता है। तो गाइस वो चीज़ होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेकिन गाइस जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, वो ज़्यादा देर तक कहीं पे भी रुक नहीं पाती है। लेकिन गाइस ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूसली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार ये एक सिरा हो गया और ये हो गया इसका ग्राउंड। तो ग्राउंड को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं और जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ यहाँ पर ये मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर ये जो बॉल है इसके अंदर स्टैटिक चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं और फिर जैसे ही मैं इस बल्ब को इसके पास में लाके इसे डिस्चार्ज करता हूँ तब देखना क्या होता है। देखो वो देखो देखो तेरी देखो। और गाइज अगर मैं इस मशीन को बंद भी कर दूं तो भी कुछ देर के लिए इसके अंदर चार्ज बना रहेगा, देखना। अब मैं बंद, मशीन बंद है, अब टच करता हूँ, देखना। देखो अब ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। तो शुरुआत के अंदर जब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा और जब मशीन को चालू किया तो इस मशीन के साथ साथ में मैं खुद भी स्टैटिकली चार्ज हो गया और मैंने अपने पैर के अंदर पहन रखे हैं रबर के शूज जिससे कि मेरा जो चार्ज है वो ज़मीन के अंदर नहीं गया। लेकिन जो वीरेंद्र था वो नेगेटिवली दूसरे तरीके से चार्ज था, ठीक है। मैं नेगेटिवली चार्ज था और वो पॉजिटिवली चार्ज था और जैसे ही मैंने उसे टच किया जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया और दोनों को ही झटका लगा। जी हाँ गाइज, इस कमाल के एक्सपेरिमेंट की खास बात ये है कि इसके अंदर जो परफॉर्म कर रहा है उसे भी झटका लगता है और जिसके साथ में परफॉर्म किया जा रहा है उसे भी झटका लगता है। और गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कितनी कमाल की होती है। तो मैं फिर से मशीन को ऑन कर देता हूँ तो जैसे ही मैं अपना हाथ जो है इसके पास में लेके जाता हूँ मेरे हाथ के जो बाल हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे बाल खड़े हो गए हैं और मशीन की तरफ हैं। देखो देखो वाओ गाइस देखते हैं किसको कितना शौक लगता है। तू पीछे क्यों खड़ा हुआ? तूने खा लिया? ऑल राइट, ठीक है भाई, टच कर। डर क्यों रहा है, अड़ाना। और रवि अंदर है। तो गाइस यार एक और कमाल की ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर मैं शूज पहने रहूँगा और इससे खुद को चार्ज कर लूँगा तो कुछ देर तक मेरे शरीर के अंदर करंट रहेगा और मैं किसी भी दूसरे पर्सन को टच करूँगा ना तो उसको भी झटका लगेगा। कौन से रूम में हो? ठीक है मैं खुद को चार्ज करता हूँ, फिर चलते उतर रहना। रवि क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? इधर देख,
मेरी उंगली टच कर, टच करना। तो गाइस यार इसको उतना बुरा झटका तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी लगा ना झटका, लगा करंट का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो गाइस इसको उतना बुरा तो नहीं लगा क्योंकि मैं वहां से यहां तक आया तब तक काफी सारा जो चार्ज है वो हवा के अंदर ही डिस्चार्ज हो गया था। तो गाइस यार आई होप आपको कुछ नया देखने को मिला होगा। गाइस यार जब मैं बुक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ता था ना, सच बोलूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सारी चीज़ें दिमाग के ऊपर से जाती थी। लेकिन जब मैंने इस मशीन के साथ में वीडियो बनाई और इस मशीन के बारे में समझा, तब इससे मुझे पता पड़ा किस तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, किस तरीके से वो डिस्चार्ज होती है, बाकी सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो गाइस आज के लिए बस इतना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कैरी ऑन कैरी ऑन। बच गया तू, इतना जोर का नहीं लगा तुझे। ओए क्या कर रहे हो तुम? भैया मैंने शूज पहन रखे भैया। ओ तेरी, आपने शूज पहन रखे? अरे तो मैं पहले से इसके साथ में नहीं हूं ना, मशीन बंद रहनी चाहिए तब होता है। ओ तेरी रेगुलर, देखना आवाज सुनना गाइस, आवाज सुन दे वो है। चल।